अगर आप दिल्ली से हैं और मैं आपसे कहूं कि आपको मुंबई जाकर एक रेस में हिस्सा लेना है जहां जीतने वाले को 500 रुपए का मेडल मिलेगा, तो क्या आप 5,000 रुपए का फ्लाइट टिकट लेकर, 5,000 रुपए के रनिंग शूज लेकर 1,500 किलोमीटर दूर केवल 500 रुपए के मेडल के लिए जाओगे? शायद नहीं। अगर इसी चीज को हम IPL टूर्नामेंट से जोड़कर देखें तो केवल 20 करोड़ रुपए चैंपियन टीम को मिलते हैं, लेकिन टीम बनती है 500, 1,000 और 5,000, 6,000 करोड़ में। जहां 20 करोड़ कई बार केवल एक खिलाड़ी का प्राइस होता है, जहां टीम के फ्रेंचाइज ओनर की गाड़ी कई बार 90 करोड़ की होती है, तो क्या वो इतनी भागदौड़ केवल 20 करोड़ रुपए की प्राइस मनी के लिए करेगा? अगर ये सारे सवाल आपने कभी खुद से किए हैं तो जवाब और IPL के सारे काले सफेद चिट्ठे आज इस वीडियो में हम आपको बारीकी से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि IPL T20 की दुनिया की सबसे पहली लीग क्रिकेट है। इतिहास खंगालो तो 2003 में इंग्लैंड और वेल्स ने पहले ही T20 ब्लास्ट नामक टूर्नामेंट बनाया था। फिर 2005 में न्यूजीलैंड ने भी एक सुपर स्मैश नाम का टूर्नामेंट बना दिया। लेकिन एक कहावत है कि हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, यानी कि कोई भी टूर्नामेंट तब तक प्रसिद्ध नहीं होता जब तक भारत उसमें हिस्सा ना ले। बस इसी सोच को सच साबित कर दिया जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज, कपिल देव और किरण मौर्य जैसे दिग्गजों ने, जब उन्होंने भारत में ICL यानी कि इंडियन क्रिकेट लीग नाम का प्राइवेट क्रिकेट टूर्नामेंट बना दिया। लेकिन BCCI ने ICL को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और कपिल देव किरण मौर्य को आलोचना तक झेलनी पड़ी। ICL को तब बागी क्रिकेट लीग कहकर भी कहा जाने लगा था। BCCI ने खुलकर कहा कि जो ICL में खेलेंगे उन्हें BCCI बैन कर देगा, जिसके बाद कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई कि कपिल देव को 25 जुलाई 2012 को BCCI को बताना पड़ा कि वे ICL से इस्तीफा दे चुके हैं। ICL की छुट्टी करने के बाद 2008 में BCCI के तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट ललित मोदी IPL लाने की घोषणा कर देते हैं, जिसके बाद 2008 में IPL ऑक्शन के बाद बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, मोहाली और मुंबई, ये 8 फ्रेंचाइज टीम बनाई जाती हैं, जिन्हें $723.59 मिलियन में बेचा जाता है। और अगर बात करें 2022 की तो केवल दो नई टीम, लखनऊ जो कि 7,000 करोड़ और अहमदाबाद जो कि करीब 5,500 करोड़ रुपए में बेची गई है। ये सब तो हुई बात हिस्ट्री और खर्चे की, अब आते हैं IPL के बिजनेस मॉडल पर। आखिर IPL पैसा कैसे कमाता है? अगर बात करें तो ये टीम प्लेयर खरीदने के लिए पैसा कहां से लाती है, तो जवाब है फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, बड़े इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट हाउसेस इन फ्रेंचाइज क्लब्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसे एग्जांपल से समझे तो चेन्नई सुपर किंग्स में इंडिया सीमेंट ने 30.1%, शारदा लॉजिस्टिक्स ने 6.9%, LIC ने 6.0%, राधाकृष्ण दमानी ने 2.4% नॉन प्रमोटर्स ग्रुप ने 54.6% की हिस्सेदारी खरीदी हुई है। कमाई के सारे सोर्सेज को हम समझे तो नंबर एक पर आती है टाइटल स्पॉन्सरशिप। जैसे हम धोनी को कैप्टन कूल कहकर एक टाइटल से संबोधित करते हैं, वैसे ही बात करें 2008 की तो तब IPL को केवल IPL नहीं बल्कि और अभी से टाटा IPL कहा जाता है। टाटा ने 2022 और 23 में IPL को टाटा IPL कहने के लिए 670 करोड़ रुपए दिए हैं। नंबर दो पर आता है ब्रॉडकास्ट राइट्स, जहां कभी सोनी पिक्चर्स ने मैचेस की ब्रॉडकास्टिंग के लिए 8200 करोड़ रुपए दिए थे, जिसके बाद स्टार इंडिया ने 2018 से 2022 तक मैच दिखाने के लिए BCCI को 16347 करोड़ रुपए दिए थे। और अनुमान है कि 2023 से 2027 तक ये अमाउंट 40,000 करोड़ से 45,000 करोड़ तक हो सकता है। फिर एक सवाल कि भाई अब ये स्टार जब 16347 करोड़ रुपए मैच दिखाने के दे रहा है, तो क्या आप फ्री में केवल बिजली, अपनी आंखें और डिश टीवी का एक छोटा सा अमाउंट पे करके ये मैच फ्री में देख रहे हो? आखिर स्टार इंडिया ये 16347 करोड़ रुपए कहां से वसूल करेगा? वेल, दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स कमाएगा उनसे जिनके एड्स मैच के दौरान दिखाए जाएंगे, और एड दिखाने वाले अगेन फिर कमाएंगे दर्शकों से, यानी कि आपसे और हमसे, जो ये लुभावने एड्स देखकर कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेंगे। और IPL 2022 से लेकर 65 दिन तक, तो अगर मिलियंस में दर्शक IPL को देखते हैं तो कंपाउंडिंग ग्रोथ के हिसाब से इससे लाखों करोड़ रुपए का बिजनेस होगा। तो कुल मिलाकर अल्टीमेटली जनता ही पैसा पे करती है। को एक छोटे से एग्जांपल से समझे तो एक यूट्यूबर वीडियो बनाकर डालता है, फिर वीडियो में किसी ब्रांड का प्रमोशन करता है और दर्शक उस ब्रांड को खरीदते हैं, तो उस ब्रांड का या तो वन टाइम पेमेंट यूट्यूबर पहले ही ले लेता है, या फिर एफिलिएट मार्केटिंग करकर हर प्रोडक्ट की बाय पर उसे कमीशन मिलता है, या वीडियोस बनाने वाला व्यूज से, ब्रांड प्रमोशन से, एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमाता है। तो कुल मिलाकर किसी भी गेम ब्रांड में पैसा तभी बनता है जब उससे जनता जुड़ी होती है। जितनी ज्यादा जनता उतना ज्यादा बिजनेस और उतना ही ज्यादा पैसा। इसके बाद खिलाड़ियों के टी शर्ट्स, उन पर ब्रांड के नेम, बैट, ग्राउंड में बाउंड्री रोप पर ब्रांड के नेम, स्टंप्स पर ब्रांड के नेम, फैंटेसी लीग्स चलाने वाली एप्स, फ्रेंचाइज ओनर्स के अपने पर्सनल ब्रांड्स एंड बिजनेसेस, फिल्म्स, एडवर्टाइजमेंट्स एंड प्रमोशंस, सब के सब जनता की नजर में आ जाते हैं। और मार्केट का सूत्र वही है, जो दिखता है वही बिकता है। अभी ने जनता देखती है, देखकर इन्फ्लुएंस होती है, कोई ब्रांड देखकर, कोई अपने स्टार्स खिलाड़ी फ्रेंचाइज को देखकर, तो कोई कमाने की नजर से, और एक छोटा सा अमाउंट अपनी जेब से पे करती है। और एट द एंड IPL सक्सेसफुली पैसा कमाता है और बिजनेस करता है। ये अमाउंट एक आदमी पे करे तो बूंद हो सकता है, पर करोड़ों आदमी पे करे तो खुद में समंदर है, क्योंकि वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो कुल मिलाकर IPL अपने बिजनेस मॉडल से मैदान के टिकट से लेकर पीछे लगी विकेट तक पैसा कमाता है, और आप केवल फैंटेसी क्रिकेट खेलने में बिजी रहते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जनता जनार्दन है, सर्वोपरि है और सुप्रीम है। जनता में ही वो ताकत है कि लोकल को ब्रांड बना दे और ब्रांड को बाजार से गायब कर दे।